हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग की हमारी हो रही है जैसे कि एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज एक दिन भी नहीं करो ना तो मन नहीं मानता बिल्कुल भी, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है ना। और कोई चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है ना तो उसको ना करो ना तो दिल बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे खाली खाली सा क्या नहीं किया हमने पूरे दिन में, क्या नहीं किया। तो गाइज़, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, हम उस चीज़ को हैबिट में नहीं ला पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू शुरू में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो होती है, पर वो चीज़ फिर हमारी आदत में आ जाती है ना तो वो आराम से हो जाती है। तो मैंने सब इन्हीं छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान रखा है। और शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हर चीज़ करने में, पर मैंने को करना था वज़न कम। कहते हैं ना, जिसने चीज़ को ठान लेते हैं ना वो चीज़ फिर होके ही रहती है। तो गाइज़, मेरे को तो ठान लिया था कि नहीं, मुझे तो वेट लूज़ करना ही है, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए थे और बाहर वाले लोग भी बोलने लग गए थे कि कितनी मोटी हो गई है, कैसी लगने लग गई हो, क्या खा रही हो, ऐसा कितनी मोटी हो गई हो। तो गाइज़, ये सब सुन के ना बहुत बुरा लगता था। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे पतले होना है, किसी भी हालत में मुझे पतले होना है। और ये अगर आपके अंदर जुनून चढ़ गया ना कि आपको पतला होना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता पतले होने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, फिर आपको पतला होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए गाइस, यहाँ सौंफ वगैरह का पानी हमने पी लिया है और पेस्ट मैं पहले ही बना के चली गई थी जैसे कि आपने देखा। तो यहाँ हमारा बन रहा है यम्मी सा चीला। तो गाइस, आज ब्रेकफास्ट में करने वाले हैं यम्मी सा चीला। तो यहाँ देखिए, चीला हमारा बन गया है। सिंपल ही चीला बनाती हूँ और कभी कभी बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। तो गाइस, टाइम के ऊपर बात है क्योंकि हम भी एक हाउस वाइफ हैं, तो बस जैसे टाइम मिलता है वैसे करते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज हम मॉर्निंग में बना रहे हैं चीले। देखिए गाइस, ये हमारे चीले सिक रहा है ये वाला एक, और मैंने अपने लिए बना लिया है तो मैं तो एक ही खाऊंगी। तो आज फ्रूट्स वगैरह मेरे पास नहीं थे तो ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा चलो चीला ही बना लेते हैं। वेजिटेबल का चीला बनाया है और जो भी मेरे पास वेजिटेबल थी वो सब मैंने इसमें डाल दिया है और साथ में लिया है हरी चटनी। तो गाइस, यही है आज का हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। तो ऐसा होता है गाइस, कभी कभी फ्रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हम चाहें तो अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो आप ही चीला वगैरह बनाइए, दलिया, दाल दलिया या ओट्स वगैरह या पोहा वगैरह बना के आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना यम्मी सा चीला। यम्मी सा चीला है, एक चीला ही लिया है और एक बन रहा है, वैसे ये हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। और ये लिया है चटनी हरी, जो कैसे फैल गई चटनी सारी पानी से फैल गई। तो गाइज, यही है आज का मेरा नाश्ता। खाने में क्या बनाएंगे, वैसे अगर भूख लगेगी तो बनाऊंगी, नहीं तो वैसे भी मैं अवॉइड ही करती हूँ खाने को। तो बस ऐसे ही चल रहा है हमारा वेट लूज जर्नी। वो बस मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती, क्योंकि सुबह सुबह ना हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और कुछ लोग होते हैं ना कि अपने काम में लग जाते हैं और खाली भूखे पेट लगे रहते हैं काम में, तो ऐसा ना करें। पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए और उसके बाद जो भी आपका काम होता है वो करिए, क्योंकि टाइम से ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा सही। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए और धीरे धीरे 32 बार का फॉर्मूला यूज़ करते हुए मैं खाती हूँ। अब तो आदत सी पड़ गई है ना, तो अब तो ना चाहते हुए भी अपने आप 32 बार हो ही जाता है बड़े आराम से। और गाइस, उसके बाद हम आ गए किचन में क्योंकि हमें बनाना है खाना। तो आज खाने बन रहे हमारी तोरई। तो गाइस, ये तोरी और ये टिंडे और ये जो ग्रीन ग्रीन सब्जी आते हैं ना, पालक वालक, मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अपनी हेल्थ को देखते हुए मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान रखा और मैं अब ये चीज़ें खाने लग गई हूँ। और थोड़ा इनको अच्छे से टेस्टी से बनाओ ना, टमाटर वगैरह प्याज वगैरह डाल के, तो ये चीज़ अच्छी लगती है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। तो अगर आप तोरी वोरी अगर नहीं पसंद करते हैं तो उसमें टमाटर प्याज ऐड कीजिए, थोड़े से कम तेल में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी। हेलो गाइस, तो गाइस हमारा खाना भी रेडी हो गया है। तो देखिए गाइस, आज बनाई है तोरी की सब्जी और सैलेड और खीरा। तो गाइस, ग्रीन सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए और ग्रीन सब्जी से हमारी जो वेट लूज की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हम कोई भी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं और इसे हमें ताकत भी बनी रहती है और बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं। तो जितना हो सके आलू आलू कम खाइए, पराठे वगैरह कम खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, पालक हो गया और जो भी ग्रीन सब्जियाँ होती है वो ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है काम करने में हाल बेहाल है और अभी बर्तन वगैरह भी पड़े हैं मेरे, तो बस उनको माँज माँज के फिर थोड़ा रिलैक्स करूँगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से अपना लंच कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। तोरी की सब्जी ली है थोड़ी सी और ये है सैलेड और साथ में दो रोटी। वही ये है हमारा आज का लंच। तो देखिए गाइस, यहाँ हम कर लेंगे अपना लंच और पूरे 30 मिनट लगते हैं मुझे अपना लंच करने में, क्योंकि धीरे धीरे चबा चबा के अगर आप खाते हैं तो पूरा 30 मिनट ही लगने चाहिए।
तो गाइज लंच वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉक करने के लिए कुछ देर बाद। और जब भी हम वॉक करते हैं तो खाना खाने के बाद हमें वॉक आराम आराम से करनी चाहिए, तेज़ी तेज़ी नहीं चलना चाहिए। तो गाइज यही हमारी आदतें होती हैं जिससे हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और मैंने शुरू शुरू में इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तभी आज मेरा इतना वज़न कम हो चुका है। और गाइज अगर आप भी पतले होना चाहते हैं, अगर आपको मन है पतले होने का, तो आपको भी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो देखिए गाइज यहाँ हमारी बन रही है ग्रीन टी। खाना खाने के कुछ देर बाद मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और पहले तो ग्रीन टी मैं नहीं पीती थी, पर अब मैं पीने लग गई हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी ग्रीन टी भी रेडी हो गई है और इसको भी सिप कर करके बड़े आराम से पीऊँगी बैठकर। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है शाम और शाम की हमारी बन गई है ग्रीन टी की, जैसे आपने देखा। तो गाइस ग्रीन टी बनाई है आज इवनिंग में और ग्रीन टी ही पीऊँगी। तो ये गाइस हमारी ग्रीन टी अभी गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अब मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ। वैसे पहले तो मैं नहीं पीती थी, पर मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोल बोल के मुझे ग्रीन टी ले ही आई मैं उनके लिए, और मैं भी अब पीने लग गई हूँ। तो पी के देखते हैं। वैसे तो मेरा वज़न कम हो ही चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं है अब वज़न कम करने की, क्योंकि मुझे जितना करना था मेरा हो चुका है। अब बस इस चीज़ को मेंटेन करके रखना है कि वज़न ना बढ़े मेरा। और बाकी आपसे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी अपनी इस वीडियो पे, तो फटाफट से जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगने वाली हैं। जो चीज़ें मुझे नॉलेज में मेरे को पता लगती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस अपनी पी लेते हैं ग्रीन टी। तो देखिए गाइस यहाँ हम पी लेंगे अपनी ग्रीन टी। और गाइस आज मैं कुछ आपसे ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर महिलाओं को पता होनी चाहिए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, और हमारे घर का जो वास्तु दोष होता है किस वजह से होता है और क्या हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस हमारी कढ़ाई और तवा एक ऐसी चीज़ है जिनको हम गलत या सही रखने से हमारी वास्तु दोष का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी हम रोटी बनाते हैं तो तवे को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही तवे को गैस पे खाली छोड़ना चाहिए। जब आप कभी रोटी बना लें तो तवे को एक साइड रख देना चाहिए सीधे हाथ की तरफ, और उसके बाद कुछ देर बाद ही उसको धोएं, एकदम से तवे को नहीं धोना चाहिए। और अपनी किचन को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और गाइस जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद हमें तवे को गैस के पीछे कभी नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। और जब भी हम तवे का रोटी बना लेते हैं तो गर्म तवे पे कभी भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सुख समृद्धि पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब भी हम खाना बना लेते हैं तो चकला बेलन और तवे को अलग से ही धोना चाहिए, कभी भी झूठे बर्तनों पे हमें उसे नहीं धोना चाहिए। और तवे को हो सके तो खूब अच्छे से धोना चाहिए और कभी भी नोकीली चीज़ से हमें तवे को नहीं खुरचना चाहिए। इन सब बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों का असर हमारे घर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो गाइस कभी भी तवे को उल्टा ऐसे ना रखिए, जब भी आप तवा धो लेते हैं उसको अच्छे से साफ़ करके पहुँच के ऐसी जगह पे रखिए ताकि कोई एकदम से ना देख सके। और गाइस तवे पे हम जब भी नेक्स्ट डे रोटी बनाते हैं, मतलब सुबह मॉर्निंग में रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने से पहले उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और नमक में कुछ भी मिला नहीं होना चाहिए, नमक खाली नमक ही होना चाहिए। और उसको अच्छे से मल के और उसको झाड़ लीजिए और उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि हमारे घर की बनी रहती है। सबसे पहले हमें एक ऐसी रोटी बनानी चाहिए जो हम गाय को दे सकें या किसी पशु पक्षी को हम खिला सकें, ऐसी जगह पर हमें रख देनी चाहिए ताकि उसे पशु पक्षी आराम से खा सके। हेलो गाइस, तो गाइस काम वगैरह हमारा सब हो गया है, ये देखिए खाना वगैरह भी बन गया है और हमारा डिनर भी रेडी है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई है कि हर महिला को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ का भी हमारे वास्तु पे बहुत ज़्यादा असर होता है। हमें तवे को कैसे रखना चाहिए, कढ़ाई को कैसे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बर्तनों से भी हमारे चीज़ों का सुख समृद्धि पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज मेरे को जो चीज़ की नॉलेज होती है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अपने वेट लूज जर्नी के साथ मुझे अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने मतलब इन छोटी छोटी बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन बना रहे, आता रहे और हमारे परिवार में सब खुशहाल रहें। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज यहाँ तवा मैंने रख दिया है और कोने में ही रखती हूँ मैं अच्छे से छुपा के। और गाइस मेरा डिनर भी रेडी हो गया है, तो मैं डिनर आपको दिखाती हूँ क्या है।
ये गाइस वही ली है, तोरी की सब्जी जो दिन में बनाई थी, और चटनी है और एक रोटी है, बस एक रोटी खाऊंगी। तो गाइस यही है आज हमारा सिंपल सा डिनर। तो रात को तो वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ और हल्का फुल्का ही खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम चावल खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं, तो आप चावल भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर चावल अगर आप शुरू में वेट लूज़ कर रहे हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपको चावल अवॉइड ही करने पड़ेंगे। कम खाइए, चाहे माड़ वाले हो चाहे बिना माड़ वाले हो, पर कम खाइए चावल। और अन्न को जितना कम खाएंगे उतने आप जल्दी पतले होंगे। एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, वॉक ज़्यादा कीजिए और हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाइए, तो आपको फ़र्क बहुत जल्दी लगेगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। ऐसे ही हम आपसे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बाय बाय।